ये ऑयल की जगह पानी डालते जा रहे हैं और ऑमलेट। तो सर कौन सा ऑमलेट खिलाने वाले हो आज? मैं आज आपको खिला रहा हूँ पानी वाला ऑमलेट। पानी वाला ऑमलेट? जी हाँ। सर झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप। बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपको खिला रहा हूँ। ये पानी की बोतल है, आप पहले चेक करो और इसको अपने हाथ से खोल के दोगे सर। भाई ये आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, सील पैक है एकदम। नहीं तो मैं आपके सामने क्लियर, देख लो आप, सील पैक है सामने। मैं कहूँगा एक आधा घुट पी भी लो, समझो इसमें अंदर ऑयल है। मैं आपके सामने बना रहा हूँ सर, ठीक है जी। भाई ये देखिए तवे के ऊपर डाल दिया यहाँ पे पानी, और एक भी बूंद जो है ना भाई तेल के इस्तेमाल नहीं होता, जीरो भाई साहब एकदम। और पूरा पानी के अंदर बनेगा सर? ये आपके सामने है और वही चीज बना के मैं दे रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने दो अंडे तोड़े हैं। हाँ जी, दो अंडे आगे जी, और प्याज। हाँ जी, ये मिर्चे। बिल्कुल, इसके अंदर अदरक और मिक्स है, मैं आपको बता दूं मिर्चों में। हाँ जी, ये नमक। हाँ जी, ये लाल मिर्च, और ये यहाँ का मसाला जो मेरा 15 से 20 मसालों का बनता है। 15 से 20 हाँ, होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर भून के बनाते हैं, और ये पुराना पापा जी के टाइम का चला आ रहा है। हाँ जी, स्वाद है। मैंने घी तेल तो खिलाना नहीं, मगर हाँ मसालों का स्वाद जरूर खिलाऊंगा। यहाँ तक आप आए तो बहुत अच्छी सा टेस्ट खिला के भेजूंगा, वो भी पानी के अंदर। ये मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको स्वाद के तौर में खिला रहा हूँ, ये यहीं पर ही चलेगा। तो भाई बढ़िया तरीके से यहाँ पे देखिए अंडों को फेंट लिया है, और ये जो पानी यहाँ पे उबाला मार रहा है देखिए आप, क्या बात है जी। ठीक है जी, अगर आपने भी ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट आज तक नहीं देखा है ना, तो भाई अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और जो बंदे जिम जाते हैं उनके लिए तो स्पेशल है। मैं आपके सामने दे रहा हूँ। हाँ जी, ये ऐसे ही सिकता हुआ जाएगा बड़े आराम से। बिल्कुल, आराम से इसको सेकना भी पड़ेगा, बड़ा गौर करना पड़ता है इसको बनाने के लिए, क्योंकि इतनी देर में बिल्कुल चिपक जाता है, और चिपकने के लिए बड़े आराम आराम से इसको सिकाई करनी पड़ती है। और फिर रहेगा इसकी प्रेजेंटेशन, मैं वो भी बिल्कुल ओके करूँगा, और अलग अलग स्वाद जरूर करूँगा इसको, बिल्कुल ऐसा स्वाद में लगे कि हाँ खाने में बहुत अच्छा है। ये मैंने टमाटर और ये धनिया डाला है, और ये थोड़ा सा मैं बॉयलर डालूँगा जो एक स्वाद दे सके। भाई मैं तो देख के हैरान रह गया हूँ, ऑफकोर्स आप भी देख के हैरान रह गए होंगे, मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में किसी को पानी के अंदर ऑमलेट बनाते हुए। तो भाई आप भी कमेंट में बताइए क्या आप भी हैरान रह गए। हाँ जी सर, मैं तो अभी और बहुत सारी कार्रवाई है हाँ। इसके अंदर करनी पड़ेगी, ये बड़ी तसल्ली से बनता है। हाँ जी, और ये हल्की सिकाई पे अभी सिकेगा, इसको कम से कम 5 या 7 मिनट जरूर लगेंगे, तब जाके ये बिल्कुल रेडी होगा सर। मैं तो अपनी मेहनत अपनी जगह लाता हूँ और करता रहता हूँ, क्योंकि उसके अंदर इसको करना देना बड़ा अलग टेस्ट बनाना ये भी ज़रूरी है। ये मेरी कला है जो बाबू जी के हाथ की दी हुई है, मैं वही चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है जी, अभी इसके अंदर डलेगा और पानी, तब जाके और आएगा मज़ा। भाई ये देखिए, ये ऑयल की जगह पानी डालते जा रहे हैं, और ऑमलेट बिल्कुल भी चिपकने नहीं देंगे आप, ये देखिएगा इनकी कला यहाँ पे बनाने की। क्या करें, काम तो कर रहे हैं सर, ये बहुत सारा टेस्ट है जो मैं आपके आगे पेश रहा हूँ, और अलग अलग स्वाद भी दे रहा हूँ। हल्का सा भी और से ये सीखेगा, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, बस 2 मिनट जरा एक उबाला और आ जाए, उसके बाद मैं पलटा लगाऊंगा, फिर मैं पानी डालूंगा। अभी पानी का खेल और है, तभी जाके बहुत आराम से बनेगा और लाइटली सिकेगा। तो सर आपके जो पिताजी थे उनको कहाँ से ये आइडिया आया? ये बचपन से वो यहाँ पर इसी नाम से मशहूर, अंडे वाले के नाम से सर। अच्छा, अभी हाल ही में 3 साल हुए मगर एक्सपायर हुए, मगर उनका आशीर्वाद रहे तो मैं बहुत कुछ करता हूँ, उन्हीं के नाम से काम करता हूँ। मेरा कोई नाम नहीं, मगर हाँ बाबूजी का आशीर्वाद है, मैं आज उन्हीं के स्वाद से चल रहा हूँ। थोड़ा हल्का सा और पानी डालेगा, क्योंकि दूसरी साइड सिकाई करनी है, ये जले भी नहीं और काम भी हो जाए, मैं वही काम करके दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई हम अपने घर पे ऑयल भी डाल देते हैं ना, उसके बाद भी ऑमलेट चिपकता है, बट आप यहाँ पे पानी के अंदर बिल्कुल भी चिपकने नहीं दे रहे। मैं बड़े आराम आराम से बना रहा हूँ, क्योंकि ये तसल्ली बख्श काम है, बहुत अलग टेस्ट है, ये करना पड़ता है और उसी हिसाब से टेस्ट को देना पड़ता है। जो जो ऑमलेट के शौकीन है भाई साहब, उनके मुंह में तो देखते ही पानी आ गया होगा ऑफ कोर्स, और देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। चिपक नहीं रहा, और देखिएगा आप, तो इसकी बिल्कुल सिकाई के अंदर हल्का सा ऑयल नहीं नजर आ रहा होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज है ऑयल देना, ऑयल ना खिलाना वो चीज है मेन, मैं वही चीज दिखा रहा हूँ। बाकी इसकी प्रेजेंटेशन वो मैं ओके करके आपके आगे दे रहा हूँ। पहले अंडा डाला है, फिर टमाटर डाला है। हाँ जी, और फिर डाला है ये धनिया। हाँ जी, और ये मसाला जो हमारा बनता है, और ये आगे जी केचप। केचप, हाँ जी, ये मैंने बनाया है। ठीक है जी, सिकंदर जी, हाँ वो भी जरूरी है। ये लीजिएगा, ये है तैयार, विदाउट घी विदाउट मक्खन पानी वाला ऑमलेट, एक वेरी स्पेशल जो होता है हमारे यहाँ, जो जिम वाले स्पेशल खाते हैं ना, इसमें समझ लीजिएगा प्रोटीन से भरा हुआ है, मैं वो खिला रहा हूँ। तो भाई अगर आप भी घी और मक्खन खा के परेशान हो गए हैं, और कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, और लाइट खाना चाहते हैं, और बढ़िया शानदार खाना चाह रहे थे, तो आप मुझे खाने के बाद बताएंगे क्या स्वाद रहा। बिल्कुल जी,
पानी के अंदर देना और विदाउट घी तेल के अंदर टेस्ट निकालना, ये मेरे कला थी और जो मैंने आपके आगे पेश करी है। ठीक है भाई, बिल्कुल ट्राई करके बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये खाने के बाद ये पानी की बोतल भी आपकी हो गई थी। जी ठीक है, इसको हम पी के भी बताएंगे। हाँ, कि आपको लगे नहीं कि इसके अंदर घी तेल मिक्स है, मैंने इसलिए पानी की बोतल साथ दे देता हूँ। अच्छा, कस्टमर को लगना चाहिए कि हाँ ये ऐसा नहीं कर रहा और वैसा नहीं कर रहा, पता नहीं क्या सोच है सामने वाले की। मैं पानी की बोतल साथ दे देता हूँ कि ये उसी के हाथ का बना है और वैसे साथ में स्वाद लेगा। तो आज आपको दिखा रहे हैं यहाँ का स्पेशल पानी वाला ऑमलेट। तो हमने भाई घी में बटर में देखा होगा भाई बनते हुए, खाए भी बहुत सारे अपने घर पे, वहां पे भी चुपकता है, बट यहाँ पे पानी के अंदर बना रहे और पानी के अंदर एक भी परसेंट नहीं चुपकना, अपने आप में एक चमत्कार ही है भाई, मैं तो ये कहूँगा। और आप एक बार ही देखिए भाई, पानी के अंदर तो चलो इन्होंने बना दिया, अब वो टेस्ट है या नहीं इसके अंदर वो भी देखना ज़रूरी है। और बहुत पुराने टाइम से बना रहे हैं, पुराने ज़माने से चला आ रहे हैं, तो टेस्ट करते हैं। भाई क्या जायका है भाई, पुरानी दिल्ली आए, सीताराम बाजार आए और पुराना जायका न मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और मेरे को तो मज़ा आ गया ट्राई करके। तो आप भी अपने घर पे जो बटर और घी खा के परेशान हो गया ना, तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। तो ये वाली वीडियो अपने जिम वाले फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो बटर और घी अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए तो एकदम बेस्ट चीज़ है। अगर आप भी डाइटिंग शाइटिंग कर रहे हैं तो भाई ये भी आगे इन्जॉय कर सकते हैं। तो भाई जब तक मैं लेता हूँ ये पानी वाले ऑमलेट का मज़ा, आप ले इस वीडियो का मज़ा। फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, शब खैर।